इतने अच्छा खेले और बीच में हम मिडिल ओवर्स में ज़्यादा विकेट भी नहीं ले पाए और पहला वनडे दूसरे मतलब वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेले हैं काफ़ी, तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए न्यूजीलैंड को भी। सर अगर आप ओवरऑल देखा जाएगा तो पिछले 5-6 साल में हम या 4 या 5 सीरीज ही हारे हैं, तो आई थिंक ये अगर आप खेलते हो तो दूसरी टीम भी खेलने आई है, हम हर मैच तो जीत नहीं सकते, लेकिन जैसे हमने T20 जीता है तो एक सीरीज हारे हैं, तो ऐसा कुछ इतना वो सोच नहीं रहे हैं इस बारे में। काफ़ी पॉजिटिव साइन है क्योंकि जैसे पृथ्वी और मयंक अग्रवाल आए हैं तो काफ़ी बूस्टर पे टीम के लिए है कि यंगस्टर को काफ़ी स्पेशली बाहर आके स्पेशली न्यूजीलैंड में खेलना थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है, पर ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है, मतलब कोई इतना वो नहीं था क्योंकि एक वनडे सीरीज है, क्योंकि हम T20 भी जीते हैं पहली बार यहाँ पे T20 जीते हैं, तो एक प्लस पॉइंट वो भी है। आई थिंक सर जो मेन जो होने वाला था वो T20 होने वाला था, पर हमने इतना सोचा नहीं कि जेट लैग वगैरह या खेल के आए हैं, हमने अपना पूरा 100% दिया हर एक गेम में, तो हम उतना क्योंकि हम प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं तो हम इतना सोचते नहीं है कि हम चाहे अगले दिन खेलें या उससे पहले खेलें, नहीं वो सर कई बार हो जाता है वो ना, क्योंकि एक आधा सीरीज ऐसा हो जाता है 10-1 सीरीज में, तो इतना वरी नहीं है क्योंकि अभी वापस टाइम है, अभी जैसे अभी टेस्ट मैच के बाद हमारे वनडे एक महीने का टाइम है, तो ऑब्वियसली वर्क करेंगे जो चीज़ें हमने लैक की है, तो हमारे पास टाइम है उन चीज़ों को वर्क करने के लिए। आई थिंक जडूबा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर रहे हैं तो, और वो टीम के लिए फील्डिंग हो बैटिंग हो या बॉलिंग हो, तो उसमें से टीम एलिमेंट आधे मैच में खेलता हूँ, आधे मैच कुलदीप खेलता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो मेन हमारा मोटिव रहता है जो हम प्रेफर जो करते हैं पहली टीम को करते हैं, जो कॉम्बिनेशन है कई बार एशिया कप में हम तीनों भी खेले हैं, तो आगे अगर अगर विकटें वैसी होगी तो आप तीनों भी हम खेलेंगे। आई थिंक वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर भी था मेरा, और क्योंकि उससे पहले जब मैं डाल रहा था तो मेरा ड्रिफ्ट भी हो रहा था, तो मेरा ये था कि मैं जो उससे पिछला बॉल डाला था वो काफ़ी ड्रिफ्ट हो गया, उनके पैड पे भी लगा था, तो वो वाला बॉल मैं थोड़ा एंगल से आया था, मेरे को पता नहीं था कि बॉल इतना घूमेगा, लेकिन मेरा एरिया ये था कि अगर मैं वहाँ बॉल डालता हूँ तो मेरे पास चांस है उन्हें आउट करने का। आई थिंक जिस टाइम वो अपने फॉर्म में टच टू लाइक आई थिंक सबसे अच्छी बैटिंग कर रहे हैं वो, और एक कॉन्फिडेंस दिखता है दोनों, देखा जाए तो 25-26 ईयर के ही हैं, उनमें एक दिखता है कि वो कितने मैच्योर हैं और सिचुएशन समझते हैं, स्पेशली मिडिल ओवर में इतना इजी नहीं होता क्योंकि स्पिनर्स आते हैं और स्पेशली राहुल ओपन।